सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारे बैंक्स के लगभग लगभग महिंद्रा कोटक बैंक भी है हमारे पास, एयरटेल पेमेंट बैंक भी है हमारे पास। इनमें से अगर आपको कुछ भी चाहिए, सुपर मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा, अगर आपको व्हाइट लेवल लेना है, व्हाइट लेवल क्या होता है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, और हाँ अगर आपके पास शॉप है तो आप रिटेलर आईडी ले ही सकते हैं, घर बैठे कहीं आना जाना नहीं है। ओके, और बिजनेक्स का भी मेरे पास है, बिजनेक्स में आपको व्हाइट लेबल मिल जाएगा, सुपर मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा, रिटेलर आईडी चारों मिल जाएगा। सबसे पहले रिटेलर बात कर लेते हैं, अगर आपके पास दुकान है तो आप सबसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको खुद करना रहता है, जितना ज्यादा काम करेंगे उतने ज्यादा पैसे कमीशन मिलेंगे आपको। हो सकता है कि आप रिटेलर आईडी से उतना कमा ले उतना डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं कमा सकता है, क्योंकि आपके पास क्या है, वो काम करना है। सुपर काम नहीं करता, उसके नीचे जो काम करते हैं उस पर पैसा बनता है, वो भी थोड़ा थोड़ा, ठीक है, लेकिन रिटेलर जितना काम करेगा उससे उतना पैसा मिलेगा उसको। तो रिटेलर कहीं ज़्यादा कमा सकता है जितना वो काम करेगा। और हाँ, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर वाइट लेवल में क्या है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, एक महीने अगर आप जम के मेहनत कर लीजिए तो हर महीने की आपकी सैलरी फिक्स हो जाती है, ठीक है, तो ये बेस्ट ऑप्शन उसमें होता है। अब जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूटर ले लिया, उसके बाद आप एक महीने जम के काम करेंगे, आपके एरिया में जो भी रिटेलर हैं उनको ज्वाइन कराएंगे, तो उन वो जो भी काम करेंगे आपको थोड़ा थोड़ा उसका कमीशन मिलता रहेगा। तो अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, आराम से आप 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं घर बैठे। ठीक, बिजनेक्स्ट की साइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको कैलकुलेट इनकम का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप एपीएस से कोई आपका नीचे का रिटेलर 8 ट्रांजेक्शन करता है तो उसमें आपको कितना मिलेगा और उसका कितना होगा। इस तरह से सर्विसेज हैं, जैसे एपीएस, मनी ट्रांसफ़र, एटीएम, इस तरह से अगर वो करता है सर्विसेज, और 71 रुपये एक व्यक्ति से आपको आता है, ठीक है, तो यहाँ पे 25 लोग अगर हैं तो आपका 53,625 रुपये हुए, ठीक है। इस तरह से आप महीने का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर 25 लोगों को आपने जोड़ दिया जो कि एक्टिव हैं तो महीने का 53,000 रुपये आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आप बिजनेक्स्ट में अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर लेके, ठीक है। यहाँ पे आप बैंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ढेरों सर्विसेज हैं, और हाँ, यहाँ मर्जी के मालिक हैं, आप 500 की चीज़ें आप 5,000 में भी बेच सकते हैं, वो आपके ऊपर है। एनएसडीएल पेमेंट बैंक का पोर्टल अकाउंट ओपनिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र, एपीएस वगैरह सारा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये करेंगे, इसी तरह से आपका मित्रा होगा एयरटेल पेमेंट बैंक का, ये रहा, इसी तरह से कोटक महिंद्रा बैंक का है, कोटक पार्टनर। तो इस तरह से आप सभी बैंक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक्सिस बैंक भी है। इसके साथ अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं तो आपका एरिया जो है तो बड़ा हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर में आपको एक डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा या फिर एक एरिया बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन सुपर लेते हैं तो आपको पूरा पूरा स्टेट दे दिया जाता है, या फिर एक होता है ना कि खंड, जैसे उत्तर प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, तो उसकी बेसिस पे नॉर्थ साउथ करके 4 भागों में 4 जन को दे दिया। फिर वाइट लेवल लेते हैं, वाइट लेवल क्या है, वाइट लेवल बोले तो आपका खुद का है, कंपनी क्या है, आपका खुद का है, बना के दे देगी, बस आपको उसको मार्केट में मार्केटिंग करना है, उसके बाद आप बैठ के कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आता रहेगा पैसा। वहीं अगर आपके पास सुपर लेते हैं तो वाइट लेवल का जो ओनर है वो कई लोगों को सुपर देता है, भाई यूपी में तुम संभालो अगर कोई नीचे काम कर रहा है, और एमपी में तुम संभालो, इस तरह से, तो वो सुपर होता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर क्या है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो बैठा होता है, उसके नीचे जो काम करते हैं वो उसका कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है। कमीशन हालांकि सबको आता है, जितना ऊपर जाएंगे उतना कम कमीशन मिलेगा, लेकिन आपके जो रिटेलर हैं वो सब पे ज्वाइन करेंगे ना। तो जैसे मान लीजिए मैं रिटेलर हूँ, मेरे पास दुकान है, मैंने यहाँ पे काम किया, मैंने 10,000 का ट्रांजेक्शन किया, अब 10,000 पे मुझे अगर 30 रुपये मिल रहे हैं, टोटल कंपनी को 30 रुपये जा रहे हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा करके रिटेलर को उसमें 7 रुपये दे देगा, 3 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा, बचा 5 रुपये, हो सकता है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाए, 5 रुपये उसका वाइट लेवल का बच जाए। तो वाइट लेवल के पास तो पूरे कस्टमर है भाई, उसके अंदर तो डिस्ट्रीब्यूटर भी है सुपर भी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर सुपर के नीचे है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं सब पे कमीशन है, अच्छा खासा कमीशन है। सबसे ज़्यादा कमाता है तो रिटेलर ही कमाता है, जिसके पास शॉप होता है, जो कि वो मेहनत करता है, ठीक है। और बाकी एक तरह से कंपनी हो जाती है अगर आपके पास सुपर है तो आपको बैंक लेना है, सीएसपी लेना है, बीसी लेना है, सुपर लेना है, डिस्ट्रीब्यूटर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, सारे डाउट्स मैं पर्सनली खुद ही हैंडल करूँगा, क्लियर करूँगा, मेरी टीम है, हो सकता है वो भी हैंडल करें, ठीक है, जो टाइम पे जो रिसीव किया हुआ वही हैंडल करेगा। तो इस तरह से कोई भी डाउट हो क्लियर करिए, और आप भी ज्वाइन करिए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर आईडी लीजिए, आप भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करिए। मेहनत करना है सिर्फ रिटेलर आईडी में, लेकिन सुपर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर में क्या है, एक बार मेहनत करना है, एक महीने के लिए अगर आपने मेहनत कर दिया
तो आपके नीचे जो काम करेंगे उसका कमीशन मिलता रहेगा। ये द बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, मैंने जिन लोगों को ज्वाइन करा दिया है ना उनका कमीशन मुझे मिलता रहता है, लाइफ टाइम मिलेगा। तो इस तरह से 5-6 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए हैं, हालांकि मैंने ज़्यादा रिटेलर ज्वाइन नहीं कराए हैं, पर जो भी हैं मेरे रिटेलर एक्टिव हैं और उनका कमीशन मुझे आता रहता है, पर डे का मिलता है, वो मैं आपको लाइव भी दिखा सकता हूँ आगे, ठीक है। तो अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हैं, अगर आप NSDL का अकाउंट ओपन करते हैं 100 रुपये प्लस 18 GST, 118 रुपये उधर चार्ज होगा। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन करते हैं तो 100 रुपये कटेगा। हाँ, एयरटेल पेमेंट बैंक का एक काम आया है प्रोजेक्ट, उस पर भी हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना एक भी आपका नहीं जाएगा, बल्कि वापस आपको कमीशन मिलेगा अप टू 200 तक एक अकाउंट पे। वो बढ़िया है, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो यही चीज़ें हैं, कोई भी डाउट हो आप कॉल करके हमें पूछ लीजिए, और कुछ भी लेना है, सुपर लेना है, डिस्ट्रीब्यूटर लेना है, रिटेलर लेना है, वो हम आपको दे देंगे, इसमें हमें पूछ सकते हैं। ओके, तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल तब होगा जब आप सर्विस यूज़ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।